क्वेश्चन 29 है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें हम मानेंगे कि लेट टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का हो जाएगा डीटी, और ये इसको अगर एक्स हम माने पूरे को, साइन एक्स को, तो लॉग एक्स का होता है वन अपान के एक्स, तो एक्स के जगह पे साइन एक्स है तो लिख देंगे साइन एक्स, और साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स अपान के ये हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस एक्स अपान के साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, तो यहां से डीटी बराबर हो जाएगा कॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से डीएक्स का अगर वैल्यू निकालें तो डीएक्स बराबर हमारा हो जाएगा डीटी, ये इनटू है इधर आएगा डिवाइड कर देगा, बटा के हो जाएगा कॉट एक्स, ये हमारा डीएक्स का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन जो हमारा है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स को हमने टी माना है तो इसके जगह पे टी लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा टी, और डीएक्स के जगह पे हम लिखेंगे, डीएक्स का वैल्यू आया है डीटी अपान के कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा डीटी अपान के कॉट एक्स। कॉट एक्स से कॉट एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा इंटीग्रेशन टी डीटी, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का हो जाएगा, इसके पावर वन होता है तो वन प्लस वन अपान के वन प्लस वन, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लिखेंगे। अब यहां से ये हो जाएगा टी स्क्वायर वन वन टू, तो टी के पावर टू अपान वन प्लस वन टू प्लस सी। अब टी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो टी हमने किसको माना है, तो लॉग साइन एक्स बराबर टी माना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की जगह पे लॉग साइन एक्स, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपान के हो जाएगा टू और प्लस सी, तो ये जो हमारा है ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 30 है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान के वन प्लस कॉस एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि लेट टी इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, अब डिफ्रेंसिएट करेंगे, डिफ्रेंसिएट बोथ साइड्स, तो टी का हो जाएगा डी टी, वन का हो जाएगा जीरो, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहां पे डीएक्स हो गया, तो डी टी बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डीएक्स, तो डीएक्स बराबर हो जाएगा डी टी, और ये इनटू में है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हमने डीएक्स का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान के वन प्लस कॉस एक्स के जगह पे हमने टी माना है, तो यहां पे लिख देंगे टी, और डीएक्स है यहां पे तो डीएक्स के जगह पे डीटी अपान माइनस साइन एक्स, डीटी अपान माइनस साइन एक्स हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा माइनस वन अपान के टी डीटी बचेगा। माइनस को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो माइनस बाहर हो गया,
और यहां पे बचा वन अपान के टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस वन अपान टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ टी, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी। अब यहां से लॉग हो गया, टी के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, टी बराबर वन प्लस कॉस एक्स के जगह पे हमने टी माना है, तो यहां पे लिख देंगे वन प्लस कॉस एक्स जहां पे टी है और प्लस सी। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान के वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम मानेंगे कि लेट टी इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स, जैसा कि हमने 30 में माना है। अब डिफ्रेंसिएट करेंगे, डिफ्रेंसिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंसिएट करेंगे तो यहां से टी का हो जाएगा डी टी, वन का जीरो, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो डी टी बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, और ये इनटू में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डीएक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया डी टी अपान के माइनस साइन एक्स। अब क्वेश्चन जो हमारा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान के वन प्लस कॉस एक्स के जगह पे हमने टी माना है, तो यहां पे टी लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और डीएक्स के जगह पे वैल्यू आया है डी टी अपान के माइनस साइन एक्स, तो यहां पे लिखेंगे डी टी अपान के माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा वन अपान के टी स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसको हम बाहर कर देते हैं, डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, तो टी के पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस पहले रहेगा, टी के पावर माइनस टू का टी के पावर माइनस टू प्लस वन अपान के माइनस टू प्लस वन, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी। अब यहां से माइनस है, टू में से वन जाएगा तो टी के पावर माइनस वन अपान के नीचे माइनस वन प्लस सी। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बस टी के पावर माइनस वन प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, और नीचे चाहे तो हम वन लिख सकते हैं। अब टी के पावर माइनस वन को नीचे लेकर के जब आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन अपान के टी प्लस सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो वन अपान के टी के जगह पे हमने क्या माना है, तो टी के जगह पे हमने वन प्लस कॉस एक्स माना है, तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो टी के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं वन प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये हमारा यहां पे आंसर हो गया।